हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं जानता हूँ कि आज मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। आप लोग थोड़ा बहुत नाराज़ हो गए मुझसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। मैं सच बताऊँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ ही था तो बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता था। किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत थी, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत थी। बच्चे कह रहे थे, सर मेरे सामने बैठो, हमको ये प्रोग्राम करना है, ये सारी चीज़ें चाहिए वगैरह वगैरह। तो उनके साथ थोड़ा मैं बिज़ी था, आप लोगों से बात ही नहीं की, आप लोगों के लिए वीडियो ही नहीं बनाई। मैं सच बताऊँ, मैं सुबह 4 बजे उठा, मैंने सोचा कि मैं कंटेंट रेडी कर लूँ, फिर उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करके आपको यूट्यूब पे एक मस्त सी वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपलोड कर दूँ। लेकिन सॉरी, मैं लेट हो गया आज। मुझे सच बताऊँ, मुझे भी थोड़ा ख़राब लग रहा है कि मैंने लेक्चर आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर, मतलब मैंने नोट्स बनाए थे, बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर अभी आने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट पे आने वाला है, ठीक है, एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उस पर वीडियो आने वाली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आने वाली है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी आपको कवर करने हैं, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम इशू बना रहता है, ठीक है। कुछ ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं, उनमें भी ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा बहुत थकान हो जाती है। अभी सच बताऊं तो रात के 11 बजे हैं अभी, ठीक है, 11 प्लस ही होगा। आप देख पा रहे हो, देखो मैं दिखा रहा आपको, देखो कितना हो रहा है, 11:24 हो रहा है, ठीक है। आधा घंटा बचा है मेरे पास, मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, थोड़ी छोटी सी, जिसमें मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकूँ। पता, आज हर कोई टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं आप लोग। मेरे लिए पता क्या है, मैं सच बताऊँ अपनी ईमानदारी से, मेरे लिए हर दिन टीचर्स डे और हर दिन चिल्ड्रंस डे है। मेरे लिए हर दिन, हर सेकंड में मेरा स्टूडेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी लाइफ हर सेकंड मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका हर एक सेकंड अच्छे से यूटिलाइज हो सके, मैं वही कोशिश करता हूँ। जो गुरु होता है ना, वो हमेशा कोशिश करता है कि उसके शिष्य के जीवन में जो घिरे हुए काले बादलों के अंधेरे हैं, उनमें रोशनी ला सके, उन्हें सही और गलत के बीच में फासला बता सके। गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता है, अपने जीवन के अनुभव अपने शिष्य को बताता है, ताकि वो सही और गलत के बीच में हमेशा फासला तय कर सके, अपने जीवन को सही दिशा में ला सके। मैं मानता हूँ कि आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि एक टीचर की पहचान उसकी बॉडी से नहीं होती है, उसकी नॉलेज और उसके स्टूडेंट से होती है। नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, टीचर का मतलब होता है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव गेन किए हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस लिए लाइफ को लेकर, ठीक है, वो सभी अपने स्टूडेंट को दे, ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन में सिर्फ अपने फायदे की बात करो, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब आप अर्निंग करो। शिक्षा का अर्थ है कि आप एक बेहतर समाज बनाने का प्रयत्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप लोगों को लोगों की सच्चाई बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, क्या आप स्टूडेंट्स को उनके जीवन की सच्चाई बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। और एक बात हमेशा मेरी याद रखना, चाहे आप फ़ोन से ही क्यों ना मुझे देख रहे हो, सुन पा रहे हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी समस्या है, तुमसे नहीं सुलझ रही, तुम किसी से कह नहीं सकते, तुम मुझसे बोलो, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, चाहे पढ़ाई से लिखे हो, चाहे जीवन से लिखे हो, मैं हर बात तुम्हारी सुनूंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें हमेशा सही दिशा दे सकूं। मेरा हर बार प्रयत्न यही रहेगा कि तुम हमेशा अपने जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो, और मैं हमेशा तुम्हें सारथी बनकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाऊं। अभी तुम्हें बहुत कुछ तय करना है, अभी मुझे बहुत कुछ तय करना है, और जब दोनों का संगम मिलेगा, दोनों का सेतु जुड़ेगा, तभी जीवन में चेतना जागृत होगी। आप लोग मन से पढ़ो, अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ, अपने जीवन में जागरूक होकर हर चीज़ को देखो,
अपने जीवन में तय करो कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करो, ना मुझ पर करो, ना किताबों पर, ना अपने आसपास के लोगों पर। खुद से तय करो, सीखो। मैं मानता हूँ कि जीवन में जब तक इंसान खुद से नहीं सीखता, अपनी परिस्थितियों से नहीं सीखता, लाख किताबें पढ़ लो, लाख ज्ञान ले लो, लाख एक दूसरे की बातें सुन लो, कुछ जीवन में समझ में नहीं आता। और समझ में आएगा भी तो बहुत चंद घंटों का या चंद दिनों का होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे जीवन का रास्ता तुम्हें ही तय करना है। तुम्हारे जीवन में जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा अधिक समस्याएं आएंगी, समाधान भी तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, तकलीफ भी तुम्हें ही होगी और अपने लक्ष्य पर भी तुम ही पहुंचोगे। लोगों का काम है कंकड़ पत्थर फेंकना, वो हमेशा फेंकेंगे। कभी भी चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, हमेशा अपने आप से पूछना क्या तुम अपने साथ खड़े हो या नहीं। जब भी किसी व्यक्ति के पैर लड़खड़ाते हैं ना, तो सबसे पहले जमीन पर हाथ उसका ही पहुंचता है। तो किसी दूसरे का सहारा तकने से पहले अपने आप में इतने मजबूत हो जाओ कि तुम्हें किसी दूसरे का सहारा मांगने की जरूरत ना पड़े। अपने आप में विश्वास रखो, अपने आप के साथ सकारात्मक रहो, अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि जो खुद से झूठ बोलता है ना, जो खुद को अंधेरे में रखता है, वो कभी दूसरे को रोशनी नहीं दे सकता। पढ़ो मन से, जीवन में जो कुछ भी करना हो अपने आप से पूछो क्या तुम ये कर रहे हो वो सही है। इससे आगे वाली जनरेशन को या हमारे समाज को कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने लेके आने, आपके बहुत सारे टॉपिक्स अभी अधूरे हैं, आपको बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे पता है। मिलकर सब चीज़ सुलझाएंगे ना। हमेशा अपना ख्याल रखिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से बातें करिए और थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रहिए। अपनी चेतना में जब मगन रहोगे, अपने आप को जानोगे, तभी मज़ा आता है ना, तभी लाइफ को बर्थफुल कहने का मीन्स होता है, वरना नहीं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और हमेशा न्यूट्रल बनने की कोशिश करिए। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पे। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अगेन, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं हर बार प्रयत्न करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छी आपको सीख दूँ, ताकि आप अपने जीवन में बहुत बेहतर व्यक्ति बन सको। ठीक है, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।